वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और हैप्पी बर्थडे टू एंजल। ये है एंजल रानी जो कि आपने टॉयज के साथ बेड का जो हालत है इस तरह से कर दिया है और सुबह से लेकर अभी तक यहाँ पर ही खेल रही है। बेड का जो हालत है मैं पूरा ठीक किया था, फिर भी ये टॉयज सारे वगैरह को टॉयज सारे को लेकर यहाँ पे खेल रही है। आज उसकी बर्थडे है तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी, तो इसकी वजह से उसका फायदा उठा रही है, सारी चीजों को इधर उधर करके फेंक रही है, उसकी बेड के ऊपर बैठ के खेल रही है। मामा हाय, से हाय। हाय बर्थडे गर्ल, हाय बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल। मामा लुक लुक मामा, सी हाय, से हाय, से हाय हाय। ऊ से ऊ, वेर इज पुचू मामा, वेर इज पुचू। गुड गर्ल। तो अभी जो टाइम हो रही है वो है 12:30 बज चुके हैं। अभी जस्ट मैं मेरे इन लॉज के साथ बात कर रही थी तो सासू माँ दीदी ये सब बात करके एंजल को विश कर रहे थे और भाई भी सुबह फोन करके विश वगैरह कर लिया है। तो अभी खाना पीना सब कुछ बना रही हूँ क्योंकि एंजल तो कुछ भी नहीं खाती है, उसका जो फेवरेट है वो बनेगा बाद में क्योंकि उसको सेवोई की खीर बहुत पसंद है और उसके साथ गुलाब जामुन बहुत पसंद है। तो जो भी मार्केट वाला जो गुलाब जामुन मिक्स होता है मेरे पास अवेलेबल है तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा बना लूँ और वो भी खाएगी और हम लोग भी खाएंगे। सारा प्रिपरेशन होके रखा है, क्लब हाउस को सजाना है और हस्बैंड चले गए ऑफिस और हस्बैंड का जो कजन ब्रदर है वो भी आ गए हैं और वो भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं किड्स रूम में और मेरा जो ब्रदर इन लॉ वो भी आ जाएंगे दोपहर में। तो अभी लंच बना रही थी तो लंच में आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से बना लूँ ताकि रात को भी थोड़ा बहुत हो जाए। पता नहीं रात को मैं कुकिंग कर पाऊँगी या नहीं क्योंकि क्लब हाउस में अगर मैं 3 घंटे के लिए बिजी रहूँगी तो नहीं हो पाएगा। आने के टाइम पर 9:30-10 बज जाता है तो उसकी वजह से खाना पीना भी तैयारी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से ही थोड़ा सा लंच के साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा तरीके से बना दूँ, 2-3 सब्जी अगर बना देती हूँ तो हो जाता है। तो अभी चावल ऑलरेडी बन रहा है, दाल बन चुकी है, उसका तड़का लगाना बाकी है। अंजलि अपनी सारे टॉयज को अच्छे से प्यार कर रही है। कल रात को 12 बजे हम लोग उसको हैप्पी बर्थडे कर रहे थे तो उसको मैं सिखा रही हूँ कि थैंक यू बोलो, तो थैंक्स जो वर्ड है उसको मुंह में नहीं जा पा रही है तो यू यू कर रही है, यू को यू यू मामा, यू 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 यू। वो बहुत ज़्यादा बिजी है आज और सुबह उठ के सिर्फ मुझे जूस मांगती है, जो भी मार्केट घर में जो मैं बना के देती हूँ उसको नहीं पीती है, स्ट्रॉ होना चाहिए उसके अंदर, जो भी मार्केट जैसा पूरा कार्डबोर्ड बॉक्स में पूरा स्ट्रॉ डाल के अगर मैं देती हूँ तो उसको पीती है, नहीं तो बोतल में या ग्लास में देती हूँ तो नहीं पीती है। आजकल का उसका आदत जो है थोड़ी बहुत चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आज एंजल के लिए बनाऊंगी स्पेशल वाला दलिया की खिचड़ी विथ घी, क्योंकि नॉर्मली मैं घी देना अभी थोड़ा सा बंद कर दिया है क्योंकि अभी गर्मी भी यहाँ पे पड़ रही थी बट यहाँ पे जो है अभी ठंडी भी शुरू हो गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि घी थोड़ा थोड़ा सा डाल के दूँ तो ठंडा और कोल्ड लगने के लिए चांसेस जो है ज़्यादा कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। कब मामा तो चलिए, ये तो आपने काम पे बिजी है, मैं थोड़ा सा उसका फायदा उठा के सारे जो कुकिंग है वो कर लेती हूँ। चावल यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर मैंने गोभी और आलू को थोड़ा सा फ्राई करके इस तरह से रख लिया है, इसको मैं मटर के साथ सब्जी बनाऊंगी यानी करी बनाऊंगी और पनीर को मैंने फ्रीज से निकाल के पनीर की बनाऊंगी कढ़ाई पनीर, जो कि मुझे ईजी रहता है कढ़ाई पनीर बनाना। तो चलिए ट्राइपॉड ढूंढ रही हूँ, ट्राइपॉड से मोबाइल को अटैच कर दूँ फिर आपसे बात करती हूँ।
फाइनली मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि सारा काम ख़त्म होने के बाद मुझे अंजलि लाने का रूटीन पर ध्यान देना था। उसको नहा धोवा के, उसको नहाने के बाद में उसको खिला पिला के अभी सुला दिया है। अभी जो टाइम हो रही है वो है 2:15 हो रही है, तो उसको सुलाना पड़ता है। जब तक वो गहरी नींद से नहीं सो जाती है तब तक मैं साइड में ही सोती हूँ, नहीं तो फिर से वो उठ जाती है। तो सारे टॉयज़ वगैरह बिखरे पड़े हुए हैं तो उसको मैं क्लीन करूँगी। बट अभी जाऊँगी लंच करने के लिए। आज ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल था, ओट्स ही था, तो ओट्स जब मैं खाती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो अभी जाऊँगी थोड़ा बहुत लंच करूँगी। और मेरा फेस जो है बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा बड़ा लग रही है ना फेस। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एडिट करके पोस्ट करूँगी। उसके बाद ही सारा काम करूँगी, जो भी खीर और मिठाई वगैरह बनाना होता है वो सब करूँगी। हस्बैंड भी, उनका जो ऑफिस का कलीग होते हैं वो 3-4 फ्रेंड्स को बुला लिया है, तो देखते हैं आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ये दिन कब आएगा कब आएगा। और उससे पहले मैं जब भी बोलती थी कि आंजल की बर्थडे आने वाले हैं तो आप सभी लोग मुझे पूछते रहते कि आंजल का बर्थडे कब है कब है। तो 2 दिन का गैप हो गया है मेरा, सैटरडे संडे कोई भी ब्लॉग मैं आपको नहीं दे पाई, तो इसकी वजह से ही मैं इंस्टाग्राम में और कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया था कि आंजल की आज बर्थडे है। बहुत सारे विशेष आ रहे हैं, बहुत सारा लाइक कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आंजल रानी को इतना ज़्यादा आप इतना प्यार करते हो मुझे जानने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे प्यार करो या नहीं करो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप आंजल रानी को इतना ज़्यादा प्यार करते हो वही मुझे बहुत ज़्यादा मेरे एम में पहुंचने के लिए यही एक जरिया होता है। और आप सभी लोग के साथ मेरा जो डेली लाइफ शेयर करती हूँ, मैं कभी कभी सोचती रहती हूँ कि ज़्यादा तो पर्सनल नहीं हो जाता है ना, मैं सारा जो चीज़ें दिखाती हूँ, बट कभी कभी लगता है कि आप सभी लोग मेरे एक फैमिली मेम्बर के जैसे बन गए हो। तो आप सभी से बात करना, सभी को सारा चीज़ बताना, सारी चीज़ें शेयर करना, मुझे कुछ भी दिक्कत की बात नहीं होता है। मैं आराम से आप लोगों के साथ सारा मेरा चीज़ें शेयर करती रहती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे फेस में एक्चुअली कुछ भी नहीं है, सच कहूँ तो नहाने के बाद जो फेस वॉश किया था उस टाइम पर ये ग्लो है, और मुझे लग रहा है कि मेरा जो फेस है आज इतना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत क्लियर लग रहा है। और विंटर में आपको एक सजेस्ट दूँ मैं आपको कि विंटर में आपकी जो फेस का हालत है थोड़ी बहुत ड्राई हो जाता है, जिनका ऑयली स्किन है उनको थोड़ा सा मीन्स स्किन जो है थोड़ा सा ऑयली नहीं होता, सॉरी ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, बट जिनका ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ये एरिया पर मोस्टली बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। जैसे कि मेरे ये एरिया में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और ये एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसकी वजह से मैं आपको एक सजेशन दूंगी, बेसन लीजिए और रोज़ ठंडा पानी से आपके फेस को 2 बार वॉश कीजिए। कुछ भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है, और दिन में जितना हो पाएगा उतना पानी पीजिए और पूरा प्लेन वाटर से, ठंडा प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। बस यही एक मैं ट्रिक अप्लाई करती हूँ और ये ट्रिक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम देती है। और आप लोग देख सकते हैं कि विंटर में बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है स्किन और ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं दिखता है, बट मेरी स्किन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मुँह को प्लेन वाटर से ही वॉश कर लीजिए। मैं जितना बार हाथ धोती हूँ किचन का काम ख़त्म होने के बाद या वॉशरूम जाने के बाद, जितना टाइम पाती हूँ उतना मेरे फेस को क्लीन करती रहती हूँ। क्लीन इन द सेंस सिर्फ पानी से वॉश करती हूँ और टॉवल से अपने फेस को पेड्राई कर लेती हूँ। तो ये काम जो है, ये ट्रिक जो है बहुत ज़्यादा काम देता है, तो ये भी ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिए। और अगर आपके ऊपर काम देता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। तो चलिए अभी लंच कर लेती हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो बाद में बात करती हूँ। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरह से, मैं नीचे जाने वाली हूँ। ये है मेरा आउटफिट, क्योंकि ये जो कुर्ता है मैंने अमेज़न से लिया था बहुत दिनों पहले,
तो मैं आपको मिलती हूँ। बहुत सारे गेस्ट एक्चुअली आ गए हैं तो थोड़ा सा बात करने के लिए और लग रहा है मुझे। ईयरिंग्स किस तरह से लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तुम जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ बाद में नीचे आपको डेकोरेशन वगैरह दिखाने के बाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. फाइनली पार्टी ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, सारे लोग चले गए हैं और यहाँ पर मैं अकेली इसलिए हूँ क्योंकि सारा जो सामान है इधर ही पड़ा हुआ है। नो मामा नो। और एंजल जो है केक को बेसी कर रही है। नो और ये है केक, मिकी माउस वाला केक जो कि आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि कल रात से पूरा रात जो है 1:30 बजे तक मैं ये इमेज को सर्च करती रही, तो फाइनली ये जो इमेज मुझे मिल गया था, फिर वो जो केक शॉप वो व्हाट्सअप की, फिर जाके ये केक रेडी हुआ। और केक भी थोड़ा सा लेट में आया था, आई थिंक 6:30 बजे आ गया था। और ये हम लोगों ने जो मैंने DIY वाला जो फोटो फ्रेम बनाया था उसको ला के यहाँ पर रख दिए थे, तो एक लुक देता है ना कि जिसका बर्थडे है उसकी तरह थोड़ा सा, अगर जिसका बर्थडे है अगर उसका फ़ोटो वोटो कुछ होता है तो अच्छा लगता है। और मेरे फेस में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ बेबी क्रीम थोड़ा सा लगाया था और मुझे लगता है कि मेकअप जो है हल्का फुल्का लग रही थी, बट ईयरिंग्स ये बहुत ज़्यादा मुझे मेरा फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दे दिया। और अंजलि को देखो, इसको नाक को नोच के पूरा पूरा खा गई है नाक को, अभी से ही हाथ लगा के नोच लिया। नो मामा दिस यही गोंदी हिला जा, ये देख गोंदी हिला, देख व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो ये सब चल रहा था और पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा गया। सारे जो गिफ्ट वगैरह हैं हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर लग के रख दिए हैं, आपको घर जाके दिखाऊंगी कि सारे गिफ्ट को अनपैक करके। और अंजल का जो मेरा गिफ्ट था एक बहुत ही सुंदर सा पायल था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं था कि उसको नया पायल पहनाना चाहिए, बट अभी जाके घर में उसको थोड़ा सा पूजा करके मैं उसका जो नया पायल है उसको पहना दूंगी। तो ये था आज का मेरा पूरा दिन और अंजल के लिए मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं बना पाई, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है मुझे क्योंकि उसको गुलाब जामुन खाना था, बट यहाँ पे ना फ्रूटी फ्रूटी सारे पी जाके उसका पेट भर गई है, तो इसकी वजह से अभी भी
मुझे तो गुलाब जामुन नहीं बनेगा, तो कल हो सके तो मैं उसके लिए गुलाब जामुन और सेवई की खीर बना दूँ, तो वो अच्छे से खाएगी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि फाइनली पार्टी का जो प्लान था और पार्टी का जो अरेंजमेंट होता है ना, 10 डेज पहले से ही मेरे दिमाग में हो रही थी, तो अच्छे से गया। सारे लोग आए थे, अंजल को बहुत सारा प्यार किए, बहुत सारा ब्लेसिंग दिए और खाना पीना करके गए, तो पार्टी जो था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो अभी घर जाऊंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। We'll grow in number, fueled by love to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, few.